हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और बेहद आसान क्वेश्चन जिसका जवाब बड़े आसानी से दिया जा सकता है। तो इसका जवाब एसक्यूएल व्यू में और मैं दूंगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था आपका। तो क्वेश्चन आपका जो था वो ये था, यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ। ये देखिए, ये बी वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बी वाला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा जूम भी करता हूँ। देखिए, ये लिखा हुआ है राइट द SQL कमांड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। आपको SQL कमांड लिखना है फॉलोइंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब टास्क क्या है जरा देखते हैं। टास्क ये है व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन अ डाटाबेस एग्जाम। कोई एग्जाम नाम का डाटाबेस है, अब हमारे पास कोई और डाटाबेस हो सकता है, यहाँ पर एग्जाम नाम से डाटाबेस है। तो किसी भी डाटाबेस में कितने टेबल बने हुए हैं इसको दिखाने के लिए क्या कमांड होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल टर्म वन, यानी एक और टेबल बनी हुई है उसमें जो कि टर्म वन के नाम से है और इसका स्ट्रक्चर जो है आपको डिफाइन करना है कि इसमें कौन सा जो है फील्ड नेम है और इसके क्या डेटा टाइप हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना एक अलग बात होती है और टेबल कितने बने हुए हैं ये अलग बात होती है। तो दोनों के लिए कमांड बता देता हूं आपको क्या लिखना है। जितने भी टेबल हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे कि कौन कौन से टेबल इसके अंदर बनाए गए हैं। तो आपको कमांड क्या लिखना है, सिर्फ ये लिखना है सो टेबल्स लिख करके आपको टर्मिनेट कर देना है। तो ये पहले का आंसर हो गया आपका, यानी एक नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो है आपका हो गया, ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा ये कह रहा है ना कि जो टेबल बना हुआ है उस टेबल में कौन कौन से डेटा टाइप दिए गए हैं, तो DESC कमांड चलाइए और फिर टेबल का नाम दे दीजिए। सपोज कीजिए कि टेबल का नाम है प्रोडक्ट, तो आप यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो DESC चलाने से आपका काम हो जाएगा और ये बताएगा कि इस टेबल में किस तरह के जो है डेटा टाइप वाले और कौन कौन से फील्ड नेम दिए गए हैं, ये तमाम चीजें ये बताएगा। तो आइए इसको ट्राई करते हैं। तो मैं फिलहाल तो SQL ही ओपन कर लेता हूं। पहले आपको एक पासवर्ड डालना होता है, आपको पता ही है ये MySQL है, तो यहां पर सबसे पहले आपको एक पासवर्ड डालना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूं इसे ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर मैं अपना जो भी पासवर्ड है हमारा वो डाल लेता हूं, आपका जो भी पासवर्ड है वो डाल लीजिएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले डेटाबेस देखने के लिए हमें शो डेटाबेसेस कमांड चलाना होगा। तो ये चला दिया सो डाटाबेसेस, और जैसे ही सो डाटाबेसेस चलाया तो इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब कोई एक डेटाबेस हम यूज करते हैं, जैसे ये ऑफिस वाला डेटाबेस है, इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे OFFICE ऑफिस, तो ये ऑफिस यूज किया हमने और यूज करने के बाद यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, एंटर करेंगे, तो डेटाबेस आपका हो जाएगा चेंज। अब डेटाबेस चेंज होने के बाद क्या करना है, इसमें दिखाना है कि टेबल्स कौन कौन से बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है सो टेबल्स, इस तरीके से आप लिखिएगा और टर्मिनेट कर दीजिएगा। तो देखिए, इसमें दो टेबल बने हुए हैं, देख रहे हैं। अब मान लीजिए हमको ये देखना है कि इम्प्लॉई में कौन कौन से फील्ड और कौन कौन से डेटा टाइप आपने एंटर करे हैं। तो यहाँ पे DESC कमांड चलाइए और यहाँ पे लिख दीजिए EMPLY, इस तरीके से ये नाम लिख दीजिए टेबल का और टर्मिनेट कर दीजिए। देखिए नेम ऑफ इम्प्लॉई का जो डेटा टाइप है वेरकेयर है और इसे नल रखना चाहिए, तो बिल्कुल नल रख सकते हैं आप। ये भी दिया गया है, प्राइमरी की इसे बनाया नहीं गया है, डिफॉल्ट में नल है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ी। इसके अलावा एक और फील्ड है एड्रेस, और यहाँ पर ये कैर डेटा टाइप इसमें यूज हुआ है जिसकी साइज 50 दी गई है, बाकी की डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये दो नंबर का क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और ये दो नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। अगर आपने नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर दी शायद, ठीक है। इसके पहले भी मैं कई बार एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे लाइव लेकर के बताता रहता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। आप तो प्रैक्टिकली बता दिया, तो आप तो याद रखिएगा। चलिए, अब तक जो हुआ तो हुआ, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।